आज की जो वैकेंसी आप लोगों की हिताची रिक्वायरमेंट की तरफ से आ रही है, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी तरफ से ये वैकेंसी आ रही है, रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। तो इन दो पोस्ट के लिए आप लोगों की वैकेंसी निकल कर आ रही है। साथ ही देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है, डेट दिया गया है और डिपार्टमेंट दिया गया इलेक्ट्रिकल। तो गाइस ये जो है पावर सिस्टम की तरफ से वैकेंसी आ रही है और पावर सिस्टम कॉर्पोरेशन गाइस आप लोगों की कॉर्पोरेशन लिमिटेड यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली, मतलब POSOCO POSCO, ठीक है, इसकी तरफ से वैकेंसी है। गवर्नमेंट ऑफ इंटरप्राइजेस यहाँ पर वैकेंसी, अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ पावर की अंडरटेकिंग ये वर्क करती है। आप लोगों का पोस्ट यहाँ पर इंजीनियर का रहेगा और डायरेक्ट इंटरव्यू रहने वाला, डायरेक्ट इंटरव्यू। तो आप लोग डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे इसके लिए। उसके बाद जो मेन चीज आप लोग की आती है वो है गाइस आप लोग की सैलरी। तो सैलरी यहां पर 67 आप लोग का 1000 आप लोग बोल सकते हैं 67 के पर मंथ आप लोग को सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। काफी अच्छी वैकेंसी है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रहने वाला है, गवर्नमेंट की तरह वैकेंसी रही। आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, दो पोस्ट के लिए निकाली गई है वैकेंसी और रिजर्वेशन देखने के लिए मिल जाएगा। रिजर्वेशन ओबीसी वगैरह के लिए यहाँ पर दिया गया है। अब असिस्टेंट की जो हमारी असिस्टेंट मैनेजर हो गया, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग हो गया, उसके लिए जॉब दिया गया है। हमारी गेट पास होगी तो वो अप्लाई कर पाएंगे। असिस्टेंट मैनेजर उसमें इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल है, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल वाले गेट 2022 का पेपर जिन्होंने दिया है वही अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो एज लिमिट है गाइस 28 एज लिमिट है, इस एज के अकॉर्डिंग आप लोग की देखी जाएगी। जो हमारे एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट है लेवल E3 जो हमारे लेवल के अंतर्गत आप लोगों को सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, 60,000 से 1,80,000 आप लोग की सैलरी रहेगी गाइस। असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पर दे रखा है, ये असिस्टेंट मैनेजर की जॉब है और इसके लिए देखिए यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है। मिनिमम देख सकते हैं 1 ईयर की आप लोग के पास ट्रेनिंग होनी चाहिए। साथ ही आप लोग देख पा रहे हैं जैसे मिनिमम 1 ईयर और ट्रेनिंग एंड विल बी रेगुलराइज्ड एंड असिस्टेंट मैनेजर। तो आप लोग यहाँ पर ट्रेनिंग रहेगा और कोर्स कितने टाइम का क्या क्या होना चाहिए, जैसे बीटेक कर रखा है या फिर बीई कर रखा है या फिर बीएससी कर रखा है आप लोग एलिजिबल है। डिग्री होना चाहिए 65% आप लोग का होना चाहिए तभी आप लोग एलिजिबल है। नेक्स्ट यहाँ पर ब्रांच क्या क्या, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड यहाँ पर पावर होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल होता है, या फिर अदर यहाँ पर देखिए ब्रांच दे रखा है इलेक्ट्रिकल वगैरह, ये ब्रांच वाले एलिजिबल है फर्स्ट वैकेंसी के लिए। जो सेकंड वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर की, तो उसके लिए भी यहाँ पर आप लोग की देख सकते हैं 60,000 से 1,80,000 सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एमटेक, एमएससी या फिर और आप लोग का रहने वाला है एमएसएमई, ये सभी अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम अगर आपका बीई है, बीटेक है या बीएससी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच आप लोग की दी गई है जैसे इलेक्ट्रिकल एंड यहाँ पर पावर में जो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये आप लोग की कई सारी ब्रांच है वो आप लोग की दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आप लोगों से मांगा गया है 65% आप लोग का होना चाहिए बीटेक और बीई में, ये सभी आप लोग को होंगे तभी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। उनके लिए दिया गया है 3 साल का, एससी एसटी वाले हैं 5 साल का और जो हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको 10 साल का, और जो हमारे झारखंड डोमेसियल झारखंड के हैं या फिर एक्स सर्विसमैन है तो वो हमारे डोमिसाइल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए तो यहाँ पर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई है। उनका इंटरव्यू के आधार पर होगा, जैसे आप लोग का यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन होगा, आपके पास गेट एग्जाम है 2022 का तो सबसे पहले अप्लाई करेंगे, अगर गेट एग्जाम नहीं है तो अप्लाई नहीं करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप आप लोग का ग्रुप जो गेट एग्जाम है उसका जो है कुछ मार्क्स भी देखा जाएगा और आप लोग का ग्रुप डिस्कशन होगा। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन के साथ साथ आप लोगों का पर्सनल इंटरव्यू भी रहेगा, जो हमारे ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट है उनको कितना जुड़ेगा, ईडब्ल्यूएस वालों का कितना, तो ये सारी आप लोग की दे रखिए, इतना आप लोगों का मार्क्स यहाँ पर रहना चाहिए तभी आप लोग आगे प्रोसेस के लिए बढ़ पाएंगे। गेट 2022 नहीं होगा तो बिल्कुल भी आप आगे के लिए नहीं बढ़ेंगे। और जो हमारा पर्सनल इंटरव्यू होगा वो 12% मार्क्स देगा और जो गेट के मार्क्स में, गेट में जितने मार्क्स गेन किए उसकी जो है 85 आप लोग की परसेंटेज जुड़ेगी और 3% मार्क्स मिलेगा आप लोगों का ग्रुप डिस्कशन का, 12% मिलेगा इंटरव्यू का। फिर फीस रखी गई है, एससी एसटी कैंडिडेट है उनसे कोई भी फीस प्रोवाइड नहीं कराई गई है। तो देख सकते हैं आपको दिया गया एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट, तो उनके लिए ये फॉर्म फ्री का फॉर्म है, कोई भी आप लोग की नहीं रहने वाली है। नेशनलिटी इंडिया होनी चाहिए बस आप लोगों से, और कुछ भी नहीं मांगा गया है। तो ये सारी चीजें आप लोगों की चीज है और उसके बाद देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर किस तरीके से अप्लाई करना है, वन बाय वन स्टेप दिया गया है तो आप लोग को दिक्कत वाली बात नहीं है।